हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है डोमेन और होस्टिंग की। ये दोनों आपको परचेज करने पड़ते हैं जनरली, बट मैं इस वीडियो में जिस तरीके से बताऊँगा उस तरीके को आप फॉलो करके, उस वीडियो को फॉलो करके आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाएगी, होस्टिंग भी फ्री में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में, और आप अपनी वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बहुत ही ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लंबी हो तब भी। और उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेक्निकल नेविगेटर को सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके, और बगल में घंटे का भी बटन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती जाए जितनी वीडियो जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री में होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है infinityfree.net पे। ये एक वेबसाइट है जो कि फ्री में आपको होस्टिंग देगी। यहाँ पे जाके आपको साइनअप करना है, ठीक है। साइनअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने ये टेम्प्रोरी ईमेल आईडी ले रखी है, तो आप भी टेम्प्रोरी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं temmail.org से। यहाँ पे ये कन्फर्मेशन ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ईमेल आईडी को जैसे ही कन्फर्म करेंगे उसके बाद ये वाला टैब जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये वाला टैब आपके पास ओपन होके आ जाएगा। फिलहाल मैं ये वाली temmail वापस से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको अपनी एक अकाउंट क्रिएट करनी है, होस्टिंग के अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आएंगे कि आप फ्री सब डोमेन यूज़ करना चाहते हैं या आप खुद का डोमेन यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें खुद का डोमेन यूज़ करना है, तो अब हम डोमेन लेते हैं फ्री में। डोमेन कहाँ से मिलेगा हम ये देखते हैं। तो आपको जाना है freenom.com पे, ठीक है। ये रहा freenom.com वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। जो जितने भी डोमेन या फिर ये होस्टिंग वाले लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको साइन इन या फिर साइनअप कर लेना है। फिलहाल मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मली ईमेल आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं, या फिर अगर गूगल अकाउंट है आपका तो आप गूगल अकाउंट से भी अपने साइन इन कर सकते हैं, सब चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिया, ठीक है। और गूगल अकाउंट से साइन इन करने के बाद यहाँ पे ये आपको इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको जाना है सर्विसेज पे और यहाँ जाना है रजिस्टर अ न्यू डोमेन, ठीक है। रजिस्टर न्यू डोमेन पे करके आपको यहाँ पे डोमेन को सर्च करना है कि कौन सा डोमेन आपको यूज़ करना है या कौन सा डोमेन आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डोमेन डाल देते हैं। तो मैं अभी ये वाला डोमेन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, माई टेक वर्ल्ड। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई टेक वर्ल्ड, यहाँ पे जितने भी फ्री वाले डोमेन हैं इसमें एक अवेलेबल है mytechworld.gq। तो एक्सटेंशन से कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, अगर आपको फ्री में वेबसाइट बनानी है तो GQ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। तो हम ये वाली डोमेन को चूज़ कर लेते हैं। गेट इट नाउ पे क्लिक करके आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, चेकआउट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डोमेन जो है वो आ चुका है mytechworld.gq। अब आपको DNS कन्फिगर करना है और यहाँ पे पीरियड बताना है कितने टाइम तक का। तो यहाँ पे मैं फ्री जो है वो 12 मंथ्स तक का ये दे रहा है, तो हम फ्री वाला चूज़ कर लेते हैं। और हम अपना खुद का DNS यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ योर ओन DNS, ठीक है। तो यहाँ पे DNS में हम ये वाला DNS डालेंगे जो हमें होस्टिंग प्रोवाइडर ने प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम DNS 1 इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने DNS 1 ये डाल दिया और सेम DNS 2 में, यहाँ पे 1 के जगह पे आपको 2 करके DNS 2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने DNS कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमें कंटिन्यू पे प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑर्डर डिटेल आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 0 USD क्योंकि ये फ्री में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कुछ जो भी डिटेल्स है, यहाँ पर आप अपने डिटेल्स या तो डाल सकते हैं या तो आप एस्किप भी कर सकते हैं। अगर डिटेल्स यहाँ डालनी पड़ती है, मेरा लॉगिन है इसलिए यहाँ पे डिटेल पहले से डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपने डिटेल डाल लेने हैं, जितने भी जो भी एड्रेस है, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको मिल चुका है, ठीक है। और ईमेल शॉर्टली रिसीव होगा ये बता रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी पे भी एक ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी आपका आपने दिया होगा, वो वहाँ पे एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे गो टू योर क्लाइंट एरिया करते हैं। गो टू योर क्लाइंट एरिया करने के बाद यहाँ पे अब हम जो है हमारा जो डोमेन है, यहाँ पे ये जो डोमेन है, हम यहाँ पे डोमेन एंटर कर लेंगे। तो डोमेन बुक होने के बाद आपको सर्विसेज पे जाके माई डोमेन्स पे क्लिक करना है। माई डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा mytechworld.gq जो है वो डोमेन आ चुका है। यहाँ पे आपको इस डोमेन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस डोमेन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे होस्टिंग वाले के पास यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है और चेक करना है, ठीक है।
चेक करेगा, ये चेक करके बता देगा आपको। और चेक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए माई टेक वर्ल्ड डॉट जी क्यू इज़ अवेलेबल बता रहा है, और अकाउंट लेवल यहाँ पे वेबसाइट पर माई टेक वर्ल्ड या फिर और अकाउंट पासवर्ड ये आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अकाउंट लेवल और अकाउंट पासवर्ड यहाँ पे है, तो आप पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लिया और नोट पैड में फ़िलहाल मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पैड में नोट मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट रोबोट कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो चुका है, वी आर सेटिंग अप, ये वेबसाइट का आ चुका है वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू इन क्लाइंट एरिया पे हमें नहीं जाना, अब हमें जाना है ओपन कंट्रोल पैनल। चलिए हम ओपन कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, ठीक है। और ये हमें कंट्रोल पैनल ओपन करके दे देगा, जैसे कि लिनक्स सर्वर का कंट्रोल पैनल होता है, सेम ही आपको वैसा ही कंट्रोल पैनल कुछ दिखने लायक दे देगा। तो ये ओपन हो चुका आ चुका है कंट्रोल पैनल। मुझे लगता है आप इस कंट्रोल पैनल से पहले से वाकिफ होंगे, पहले से आपको पता होगा ऐसे कंट्रोल पैनल के बारे में, अगर आपने कभी वेबसाइट बनाई होगी तो। नहीं बनाई होगी तो यहाँ से ही पूरी वेबसाइट मैनेज होती है, कोई भी आप इसको सी पैनल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कंट्रोल पैनल से ही हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे। फिलहाल के लिए अगर हम वेबसाइट को ओपन करके देखें तो हमारा जो वेबसाइट है वो अभी ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस वेबसाइट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए अभी वेबसाइट ओपन करने पे ये वेबसाइट जो है इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी फ्री की तरफ से आ रही है, इन्फिनिटी फ्री जो होस्टिंग सर्विस है उन्होंने ऐसा जो है वो लुक दिया हुआ है। अब हम वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सी पैनल, अब हम इसमें अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे जो कि है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सीएमएस इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको ज़रा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद सॉफ्टवेयर सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्टाकुलस ऐप्स इंस्टॉलर आता है, तो सॉफ्टाकुलस जो ऐप्स इंस्टॉलर उस पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको मिल जाएगी वर्डप्रेस, ठीक है। बेसिकली ये ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है। तो देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस मिल गई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब आपको चूज़ करना है कौन सा प्रोटोकॉल है, तो HTTP है, वेबसाइट अपनी ये है, WP को हटा देना है क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम कुछ भी डाल दीजिए, तो यहाँ पे डाल दीजिए माई टेक वर्ल्ड, और यहाँ पे है कि आई एम अ टेक फ्रीक, चलिए ठीक है, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल सकते हैं, एडमिन पासवर्ड, तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, पास 123 डाल देते हैं और एडमिन एडमिन यूज़र नेम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बैड बता रहा है, कोई बात नहीं, बैड ही सही हमारा अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ हमें कोई सा भी एक जो है थीम सेलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, और हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और आपकी जो वर्डप्रेस है वो तुरंत थोड़ी ही देरों में इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है ये रही आपकी वेबसाइट mytechworld.gq, ये रहा आपका डेमो वेबसाइट जो कि आपका डेमो थीम जो आपने चूज़ करा था, और ये रहा इसका एडमिन पैनल, ठीक है, जहाँ से आप एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। तो एडमिन लॉगिन का पता आपको, जो हमने एडमिन और पासवर्ड 123 डाला था। तो ये रहा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, सिंपल, आप नॉर्मली वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया है, अब आप सिंपली इसमें थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे थीम्स पे जाके, यहाँ पे प्लगइन्स पे जाके आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अलग अलग तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको वेबसाइट इंस्टॉल या वेबसाइट क्रिएट करने हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इस तरह से आपने फ्री में डोमेन लिया, फ्री में होस्टिंग ली और आपने उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और ये आप आराम से इस वेबसाइट को चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ, इन्फिनिटी फ्री और फ्री नॉम के साथ। तो गाइज आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। वर्डप्रेस रिलेटेड और भी वीडियोज आने वाली है, और इस वीडियो को तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक करके और एक कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।